मेरे साथ छोटी सी एंकर समन इलियास, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में इतनी ज्यादा रेटिंग भी ली, इतना ज्यादा अपना नाम बनाया, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी छोटी हैं आप, मैं पिछली दफा भी यही बात की थी और फिर से यही करी, इतनी छोटी हैं आप, इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। पता नहीं बड़ी होती क्यों नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आती, सारे कहते छोटी ना है, मेरा ख्याल है। देखिए ये भी बड़ी बात है ना, छोटे होते होते आपने इतना नाम पहले ही बना लिया, जो लोग बड़े होके करना शुरू करते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितनी मोटिवेशन कहाँ से आई थी? ये ऐसे कि मेरे पे स्टार्ट में ही है, मुझे लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। मतलब मैं होता है ना कि बंदा एक उदास हो जाए, यार क्या करें ज़िंदगी में, क्या करें क्या करें, लेकिन बाद में मुझे पता लगे, मैं क्या यार यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, उसमें वर्क करते हैं। मेरा अपना चैनल जो मैंने खुद बनाया था समन की दुनिया, अभी भी वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ सब्सक्राइबर हो गए, व्लॉगिंग करती हूँ वहाँ पे। यहाँ से मैंने समन की दुनिया यानी कि मेरी छोटी सी दुनिया, छोटी सी मैं हूँ, छोटी सी दुनिया, तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। वो मेरा स्टार्ट था, मेरा अपना चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा जा रहा है, मोनेटाइज के करीब करीब है। तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे लोगों ने बहुत किया कि यार आप बहुत कुछ कर सकते हो। मगर डीग्रेड भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैंने डीग्रेड को नहीं देखा, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया मैंने उनको देखा। आपको पता है अगर 100 लोग हैं, 100 में से आपको ना 99% लोग जो है ना वो डीग्रेड करेंगे, तो आप उनको ना देखें। जो आपको 5% करें ना, आप ज़रा 5% पे ध्यान डालें और सोचें यार 99 को छोड़ के हम 5% की बात सुन लेते और ज़रा अपने आप को हौसला देते और मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुनिया आपको कहीं भी नहीं जीने देगी, ठीक है? तो बस मुझे बस मोटिवेट इतना किया लोगों ने। आपको पता है आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकती हैं। हाँ, मुझे वैसे ही, अब मैं आहिस्ता, मैं ना बोलती हूँ, कहते हैं आहिस्ता बोला, अगर मेरी आदत हो गई है, मैं इतनी तेज बोलती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आती। आपका फ्लो सेट हो चुका है ना, इसलिए। समन, फेवरेट चीज दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी क्या है? चीज़ कौन सी, मतलब खाने में या कोई कोई भी जो आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आता हो? मुझे ये जो आप कर रही हैं इंटरव्यूज, हाँ इंटरव्यूज, ये रिलैक्सेशन कर देता माइंड को। अगर माइंड सैड भी होता है ना, ये माइंड को एकदम सैडनेस खत्म कर देता है। लोगों से बात करते हैं, आपका ध्यान हम डिफरेंट लोगों की हम बातें सुनने लग जाते हैं, उनकी टेंशन में खो जाते हैं, अपनी टेंशन भूल जाते हैं। लास्ट में मुझे एक बाबा जी ने बोला कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मैं इतनी देर टेंशन में रही उनकी वजह से, मैंने कहा यार क्या बंदा यार, अल्लाह की जात देखो, तो मैं काफी देर वो स्ट्रेस में चली गई। और मुझे अभी तक कहीं आप हंसते रहते हैं कि उस बंदे ने बात, और मुझे अभी तक किसी ने पूछा नहीं कि आपकी शादी क्यों नहीं करवा रही, आप क्यों नहीं, मैं पूछती हूँ ना समन, आप शादी क्यों नहीं करवा रही? बस ये कि अभी सारे कहते हैं अभी आप शादी वाली लगती नहीं है, अभी आप कुछ बन जाए, मैं कहा चलो सही है, पहले बन जाए फिर शादी करवा लें। क्या है समन, मेरी एज 21 है। सीरियसली? या सीरियसली ना करे, हाँ जी सीरियसली। आई सपोज टू बी यार कि इनकी एज होगी 14-15 साल एटलीस्ट, ऐसा मुझे सारे कहते हैं। तुम ना मुझे 14 एक कहीं गई थी, उन्होंने मुझे ना, मैंने इंटरव्यू हुआ तो कहती है क्या नाम है, मैं कहा समन, कहती कौन सी क्लास में, मैंने उनका 9th क्लास में, तो वो मान गई, वो कहती अच्छा वाह 9th में, मैं कहा हाँ जी, मैंने सारा उनको इंटरव्यू दे दिया। तो जब मैं साइड पे होके बैठी, कोई मेरे से बात कर रहा था, वो कहती आपका नाम, आप सारे आपको जानते, क्या चक्कर है, मुझे समझ आया। मैं कहा मैंने मास्टर कंप्लीट कर लिया, ये तो मैंने बस आपको कि आप शौक ना हो जी, आप अच्छे तरीके से एंकरिंग कर लें, मैंने 9th बता दिया, वो तो हैरान रह गई। इसी तरह पता नहीं लगता लोगों को मास्टर्स किया हुआ, माशाल्लाह बहुत काबिल इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लड़का चाहिए समन? मुझे लड़का जैसे का भी मर्जी हो, लेकिन उसकी थिंकिंग है ना वो बहुत अच्छी, पॉजिटिव और नेचर वाइज अच्छा होना चाहिए। बाकी काले गोरा मुन्नू है, इस गल का फर्क नहीं पैंदा, बस सोच अच्छी होनी चाहिए इस माशरे में, जो आजकल माशरा चला है, इस माशरे के लिहाज से उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अपनों में करनी चाहिए, गैरों में? अपनों में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? वजह? अपनों में नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत से जैसे कहते हैं, अगर दूसरे लिहाज से सोचा जाए, बहुत से डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अपनों में शादी ना करवाएं आजकल, गैरों में ही होनी चाहिए, ताकि हमें गैरों को कहते हैं, बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं, मैंने खुद यूट्यूब वगैरह हर जगह पे देखा है, गैरों में ही शादी सही होती है। सही है, ज़बरदस्त हो गया। तो लड़के की क्वालिटीज़ तो आपने बता दी है, दिखने में कैसा हो? दिखने में मेरे जैसा हो, ठीक है, छोटा सा क्यूट सा हो, हाइट का आप भी उसको बोलेंगे? हाइट भी मुझे कोई मसला नहीं, मेरे जितना ही हो, मेरे से लंबा मुझे नहीं पसंद, मेरे जितना की शादी होगी, पता क्या, मेरे जितना होगा ना खड़ा होगा साथ, चंगा भी लगेगा, इतना लंबा होगा मैं उसे ऐसे देखूंगी। लोग कैसे मोटू पतलू की जोड़ी, वो कहेंगे छोटू लंबू की जोड़ी, ऐसे जोड़ियों के नाम बन जाएंगे हमारे, इसलिए। तो हाइट क्या, कैसे वो फैमिली में छोटी है जेनेटिकली? हाँ जी हाँ जी, फैमिली इशू है, मतलब फैमिली में छोटी है मेरे मम्मा पापा भी। सही हो गया, जबरदस्त हो गया। तो इसके अलावा हिडन टैलेंट क्या, कोई गाना सुना दे हमें अच्छा सा यार। अच्छा, सॉन्ग मुझे जिसने डेडिकेट किया था, पता नहीं अब मुझे देखें कि नहीं देखें, उनको डेडिकेट कर देती हूँ, एक सॉन्ग है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, ठीक है,
चलो ओके लेट्स स्टार्ट। जितनी दफा देखूं तुम्हें धर के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिल के गैरों से दूर जाना नहीं, तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। जबरदस्त हो गया। ये आपको किसने डेडिकेट किया था? ये है था कोई इन पास था पास था बात नहीं बनी, बनने वाली नहीं थी, मतलब के बस था कोई छोड़ गया। अल्लाह, छोड़ने की वजह क्या थी? छोड़ने की वजह थी बहुत से इश्यूज थे। तो जो लोग छोड़ जाते हैं उनको क्या कहेंगे? अच्छा, जो लोग छोड़ जाते हैं यार, जो लोग डर से छोड़ जाते हैं ना, वो समझो इंसान ही नहीं है। हाँ। वो डर गए तो साथ साथ मर गए, हमारे लिए भी मर गए और वो खुद भी मरे हुए हैं। लड़के को एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए दुनिया में, और अगर लड़का जो है वो बहादुर नहीं है तो वो लड़का तो फिर वो लड़का ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच।